आपको पता है आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का जो शटडाउन है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका लैपटॉप 30 मिनट में, 60 मिनट में या किसी भी मिनट में बंद हो जाए अपने आप, आपको कुछ करना ना पड़े। अगर सपोज आपकी मीटिंग चालू है और आपको लगता है कि ये आधे घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी और आपका जो लैपटॉप है वो शटडाउन होना चाहिए, तो ये हो सकता है। तो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली शटडाउन कर सकते हैं। हमारे टीवी में रहता है टाइमर सेट, जिससे हम 30 मिनट्स करते हो 30 मिनट्स में क्लोज हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा CMD में। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको रन में विंडोज R, रन आ जाएगा, उसके बाद CMD टाइप करना है, करना है ओके। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है शट डाउन, शट डाउन ST 3600। यहाँ पे सेकंड्स लिखना पड़ता है। 3600 मतलब होता है एक आर। अगर सपोज आपको 2 मिनट का करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 120, 1 मिनट का करना है तो 60 ऐसे, और 1 घंटे के लिए करना है तो 3600। तो मैं सपोज आपको दिखाने के लिए करता हूँ 120, मतलब 2 मिनट में शट डाउन होगा। इसको करेंगे एंटर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर अबाउट टू साइन आउट, शट डाउन इट विल स्टार्ट ऑन संडे मार्च 20, आज के दिन थोड़े देर में, मतलब 2 मिनट में बंद हो जाएगा ये। तो हमने शेड्यूल तो कर दिया है कि हमारा जो लैपटॉप है वो 1 घंटे बाद अपने आप शट डाउन हो जाएगा, मगर हमको इसको कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे लिखना है शट डाउन, शट डाउन और ए, ये हो गया कैंसिल। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कैंसिल हुआ या नहीं, तो एक काम करेंगे इसको फिर से लिखेंगे शट डाउन ए। यहाँ पे क्या लिखा है, अनेबल टू बॉट द सिस्टम शट डाउन बिकॉज नो शट डाउन वॉज इन प्रोग्रेस, मतलब कोई भी शट डाउन प्रोग्रेस में नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू की बेल आइकन उसको प्लीज़ दबाइए। थैंक यू।